हे गाइस दोस्तों नमस्कार, मैं रणित फिर से एक बार आपके चैनल में प्रेजेंट हो चुका हूं। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग को ये मिल पा रहा है कि जो 26 तारीख को पे आउट नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि सर इस वीक जो कंपनी ने कहा कि 2 या 3 को पेमेंट ट्रांसफर होगी, ये पेमेंट क्या आपका 2 वीक का होगा या 1 वीक का होगा? तो दोस्तों जहाँ तक एजम्पशन है, कंपनी जो ऑलरेडी कर रही है या फिर आप देख रहे हैं कि इसको फेस आउट करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये 1 वीक का होगा डेफिनेटली। लेकिन होना तो 2 वीक का चाहिए। फर्दर पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा था कि सर ग्रुप में ये डिस्कस हो रही थी कि सर एक चीज़ बताइए, हमारे जो लेज़र्स का बनता है वो लेज़र आपको शायद कुछ दिनों से गायब दिख रहा है, जो पे आउट 3 या 4 को ऐसे कुछ समथिंग गायब है, तो हो सकता है कि उस पर आपका रिपर्चेस का डेट ख़त्म हो गया है कि जिस डेट को आपने रिपर्चेस किया था उस डेट से इस डेट तक आपका पे आउट ख़त्म हो चुका था, तो एक बार रिपर्चेस करने की ज़रूरत है। जब मैंने इस ग्रुप में ये बातें रखी कि ये रिपर्चेस करना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात वहाँ पे कहा कि सर रिपर्चेस करेंगे फिर से कंपनी को 18 करोड़ का बेनिफिट होगा और कंपनी फिर से हमें पे आउट नहीं देगी। तो ये बात जब डिस्कस हुई या फिर लोग कह रहे थे, जब मैं मैसेज इसको देख रहा था तो मुझे अच्छा फील हुआ, एक थोड़ा सा लगा कि यार बात तो सही है, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि सर आप अपना रिपर्चेस अमाउंट डालो, वो रिपर्चेस अमाउंट जैसे ही डलवा जाएगा हम लोग सारे लोग का पे आउट आराम से बेफिक्र से करेंगे। लेकिन लास्ट महीने में मेरे कहने पे या फिर जो भी अपने लीडर्स से लीडर्स के कहने पे लोगों ने अपनी बातों को रखा, अपनी भावना को समझा और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें रिपर्चेस कर लेना चाहिए, उन्होंने रिपर्चेस कर लिया। रिपर्चेस करने के बाद जो कंडीशन सुधरना चाहिए था, मुझे लगता है कंपनी ने उसे और बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जैसे रिपर्चेस लोगों ने किया, एक दिन का पेमेंट 150-200 ऐसे कुछ दिखाया, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन तो गायब कर दिया। हाल ही फिलहाल लास्ट वीक की एक लेजर की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 83 रुपीज़ थी, 83 रुपीज़ को भी गायब कर दिया गया। यानी कि आप साफ तौर पे आप ये समझ लीजिए या फिर ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी को रिपर्चेस करने के बाद हमें तो बेनिफिट मिलता नहीं है, बाकी कंपनी को फायदा मिल जाता है, हमारा कुछ नहीं होता। क्योंकि कंपनी डे बाय डे इज डूइंग द नेग्लिजेंसी इन डूइंग पेमेंट्स टू द पेआउट्स ऑफ आवर एसोसिएट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। पहला तो ये, अब इनको ये तय करना सबसे पहला है कि सर आप ये जो कर रहे हो ये मुद्दा क्या है। कंपनी के द्वारा या फिर हमारे CMD के द्वारा हमने देखा कि 7 दिन का मोहलत और टाइम मांगा गया था, जहाँ पे वो कह रहे हैं, मितिया यानी कि मितेश सर कह रहे हैं कि आपका सारा चीज ठीक हो जाएगा, लय पे आ जाएगा, ये था उनका मैसेजेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये खट के आ रहा है कि जिनका भी रिपर्चेस का डेट खत्म हो गया है, क्या उनको रिपर्चेस करना चाहिए? अगर रिपर्चेस करना चाहिए तो आप ये बताइए कि पे आउट क्या सही ढंग से होगा। ये सब सारे सवाल का जो चीज़ें हैं, ये सारे जवाब अभी हमें कौन देंगे, CMD देंगे, मैनेजमेंट देंगे या कोई लीडर देंगे, इस पर हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर बैठे हुए हैं कि करना क्या चाहिए। क्योंकि इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा जब रिपर्चेस खत्म हो जाएगा तो मैं रिपर्चेस मारूंगा या नहीं, क्योंकि रिपर्चेस मारने के बाद तो कुछ फायदा होता नहीं है।
विश्वास कीजिए, रिपर्चेस मारने के बाद जो फर्स्ट वीक का पेमेंट आना चाहिए था, मात्र तो मुझे एक वीक का पेमेंट आया है रिपर्चेस मारने के बाद। तो सोच सकते हैं एक बंदे को कि 250-300-400 का पेमेंट वो अपना रिपर्चेस मारता है और पेमेंट ट्रांसफर होता है उसको कितना, 671 रुपये। यू कैन थिंक अबाउट दैट कि इस तरह का चीजें होती रहती है। तो कंपनी इज डे बाय डे इज लूजिंग हिज रेपुटेशन इन द मार्केट। तो कंपनी को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है कि भाई आप जुपिटर क्लब पे जो आप बताए हुए थे कि बाइक क्लब को 75,000 दिया जाएगा, गोल्ड क्लब पे 1,00,000 दिया जाएगा, उनका क्या होगा? आप झूठे वादे करके बार बार झूठे हो जा रहे हो। ये आपको समझ में आ रही कि नहीं कंपनी के CMD को, सर को, या फिर बाकी मैनेजमेंट सिस्टम को? ये मुझे पता नहीं कि यार बार बार आप ये बताते हो कि इस बार ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो बार बार ये कह के कि रिपर्चेस मार लो, रिपर्चेस मारने के बाद तो साची ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये आप जो कह रहे हैं कि साची ठीक हो जाएगा, ये कब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा आदमी को खटक रहा है, हम लोग को भी लग रहा है, हम लीडर्स को भी लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं उस मुताबिक तो काम हो ही नहीं रहा है। तो फर्दर अगर इस तरह से काम अगर नहीं होता है, बाकी नहीं चलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए आप हमें बताइए। क्योंकि कंपनी इस बार हम लोग रिपर्चेस तभी करेंगे जब कंपनी हमें ये वादा करेगी कि हम टाइम पे पे आउट करेंगे, एक वीक का भी गैप नहीं होगा और सारा चीज टाइम पे होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को साइन अप करता हूँ। बाकी और फिलहाल जानकारी देने के साथ साथ मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। थैंक यू।